नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सेशन में। आई होप कि आप लोगों की दिवाली बहुत ही बढ़िया रही होगी और सेफ रही होगी। चलिए फटाफट से जुड़ जाइए। कुछ जो हमारी कुछ पुरानी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी के अंदर एक टॉपिक है क्रेगोज कंपाउंड नाम का, उनको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक दूसरी खबर बता दूं। ऐप के बारे में तो आप लोगों को पहले बता ही चुका हूं मैं कई बार कि सभी लोग एग्जामपुर की ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए। जिन्होंने जो कर चुके हैं ऑफिशियल ऐप डाउनलोड, उनके लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि उन सभी को अपनी क्लासेस के जो PDF है, जितनी भी क्लासेस हो रही है किसी भी सब्जेक्ट की, बायो की, फिजिक्स की या फिर केमिस्ट्री की, वो सारे PDF आप लोगों को प्री कोर्सेज वाले सेक्शन में मिल रहे होंगे, नीट में, जो नीट का जो सेक्शन वहां पर बना हुआ है। दूसरी चीज, जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं की है, जो अभी कुछ ही दिनों में, एक दो दिन में हम लोगों से जुड़े हैं, तो उन सभी को मैं कहूंगा कि सब लोग प्ले स्टोर पर जाकर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसमें आपको सिर्फ नीट का ही नहीं, बाकी जो बहुत सारे जितने भी फीचर्स हैं ऐप के, वो सारे आप लोग देखोगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ फ्री है, है ना। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे लाइव कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज फ्री, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्विजेज हैं, जॉब अलर्ट हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के जो भी अलर्ट, जो भी नोटिफिकेशन वैकेंसीज निकलती हैं, उन सभी के नोटिफिकेशन, उन सभी का जो अलर्ट, जितने भी जो भी चीज है, वो सब के सब आपको यहाँ पर मिलेगी। किस एग्जाम के एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं, कौन सा एग्जाम कब होने वाला है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको ऐप में जो सेक्शन बना हुआ है वहां पर मिल जाएगी। उसके साथ ही आपको जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है एग्जामपुर में, उन सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को मिलेंगे PDF फॉर्म में, है ना। ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है, टेस्ट है, टॉपिक वाइज फ्री लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस भी है फ्री में। उसके बाद फुल लेंथ है कोर्सेज की, फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट सीरीज है, फ्री एग्जाम वाइज PDFs हैं, और उसके साथ साथ ही जितनी भी, जो भी, जिस भी सब्जेक्ट की या जिस भी कोर्स की जितनी भी क्लासेस होती हैं, हर एक फैकल्टीज की, जो भी बोर्ड पर वो लिखते हैं अपने लेक्चर के दौरान, वो पूरा का पूरा PDF जो है आपको आपके ऐप में मिलेगा, जिससे उसका आप लोगों को ही फायदा है कि वापस से अगर आपको कुछ रिवाइज करना हो, रिपीट करना हो, वापस से कुछ पढ़ना हो, तो आपको पूरा का पूरा लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, और आप सीधा PDF खोल कर देख सकते हो। सारी क्लासेस के PDF आप लोगों को ऐप पर मिलेंगे। उसके बाद अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और इन सभी चीजों के साथ एक बहुत ही बढ़िया जानकारी, बहुत ही शानदार ऑफर जो है एग्जामपुर की तरफ से आप लोगों को दिया जा रहा है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि एग्जामपुर के जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं, उन सभी के जो फीस है, उसका अगर आप कहीं भी कंपेयर करो देश के किसी भी इंस्टीट्यूशन से, चाहे वो ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, कहीं भी, ऑफलाइन की तो मैं क्या ही बात करूँ, वहां तो भर भर के दबा के पैसे देने पड़ते हैं, ऑनलाइन में अगर आप बात करते हो तो आपको, आप ऑलरेडी सब लोग जानते हैं कि महंगे महंगे कोर्सेज होते हैं, और यहाँ ऑलरेडी जो है बहुत सस्ते कोर्सेज हैं, और उन सस्ते कोर्सेज पर भी दिवाली के उपलक्ष्य में आप लोगों को 75% यानी कि 75% का सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कराने वाले सभी कोर्सेज पर 75% का ऑफर है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो आपको कोर्स जितने रुपए में खरीदना है वो लगभग नेग्लिजिबल अमाउंट है, बहुत ही कम अमाउंट में आपको पूरे एग्जाम की तैयारी कराने के लिए बेस्ट फैकल्टीज के साथ आप लोगों को एग्जामपुर की तरफ से मिल रहा है, जिसके लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है दिवाली 75, ठीक है, और ये जो है आपका 27 अक्टूबर तक जो है लागू रहेगा। तो इस तरह के जितनी जो इतनी शानदार आपको मिल रही है चीज, इसको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, हाथ से जाने नहीं देना, जल्दी से जल्दी परचेज कीजिए, और जो भी तैयारी आपके आसपास, आपके घर में, परिवार में, यारों दोस्तों में जो भी तैयारी कर रहा है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की, चाहे वो SSC बैंकिंग, है ना, UPSC, स्टेट PCS, TGT, PGT, टीचिंग वाले जो भी एग्जाम्स हैं, NVS, डिफेंस, उन सभी कोर्सेज के लिए आप जो भी किसी भी चीज की तैयारी हो रही है, आप यहाँ पर जा सकते हैं, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, विजिट कीजिए ऐप को, और वहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएंगी। कोड डालिए, परचेज कीजिए, बहुत ही सस्ते में आप लोगों को ये कोर्सेज मिल रहे हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर जो हम पढ़ने वाले हैं। हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करूं तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन क्लास में पढ़ चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण जो है हम लोग क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि संकरण क्या है। हल्का सा आइडिया अगर मैं आपको दूं, रिवाइज अगर कराऊं,
तो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग थी। हाइब्रिडाइजेशन क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग थी। अब देखो एक एग्जांपल हम लोग लेकर चलते हैं। दो फैक्टर, इतने फैक्टर है, दो फैक्टर, एक आपका एनर्जी फैक्टर, एक क्या है आपका एनर्जी फैक्टर, और दूसरा है स्टेरिक फैक्टर। दूसरा क्या है, स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक माने भीड़ भाड़, क्राउडनेस, उसी को स्टेरिक हिंड्रेंस कहा जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब अगर जैसे लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल्सन पैदा करते हैं। तो आप कह सकते हो कि या कोई दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल हैं, अगर वो आसपास हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्राउडनेस बढ़ाएंगे, एक दूसरे को तंग करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है, स्टेरिक फैक्टर में। अब देखिए स्टेबिलिटी अगर चाहिए तो हमें स्टेरिक फैक्टर कम से कम होना चाहिए, मतलब कि क्राउडनेस उस मॉलिक्यूल में, मॉलिक्यूल के जो एटम्स है जिनसे मिलकर वो मॉलिक्यूल बना हुआ है, कम से कम स्टेरिक क्राउडनेस हो, कम से कम स्टेरिक हिंड्रेंस हो, तो स्टेबिलिटी मिलेगी। और एनर्जी की बात करें तो एनर्जी भी कम से कम ही चाहिए। एनर्जी भी कैसे चाहिए, कम से कम, ताकि स्टेबिलिटी बढ़े। क्योंकि आप लोग हम ऑलरेडी जानते हैं कि भैया एनर्जी जो है क्या है, एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, या फिर कह लो कि स्टेबिलिटी जो है वो एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एक दूसरे पर ये वैध कर्मानुपाती, अनुक्रम वैध कर्मानुपाती, इस तरीके से डिपेंड करती है। एनर्जी जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम, एनर्जी जितनी कम स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, ये फैक्टर ये तो हम ऑलरेडी जानते ही। अच्छा हाइब्रिडाइजेशन में इनका क्या लेना देना है, निकालना कैसे है हाइब्रिडाइजेशन, वो तो हम लोग जानते ही हैं। निकालना कैसे होता है वो हम लोग जानते ही। अब देखिए मान लो हम लोग एक मॉलिक्यूल लेकर चलते हैं CH4, यहीं से हम लोगों ने स्टार्ट भी किया था, यहीं से हम लोगों ने स्टार्ट भी किया था। कार्बन जब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़े थे तो पॉलिंग ने मीथेन की कहानी से स्टार्ट किया था, है मीथेन से हुई थी कहानी शुरू सारी। बढ़िया बढ़िया, एक मिनट, अब ठीक है। मैंने जो है एक काम किया कि अपनी ही क्लास सामने चला ली, मुझे कमेंट दिख रहे हैं, ठीक है चलिए। मीथेन की कहानी से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हिमांशु मिश्रा। कार्बन की अगर हम बात करें तो कार्बन के पास 1s2 है, 2s2 है और 2p2 है। वैलेंस सेल है, वैलेंस सेल में दो ऑर्बिटल्स हैं, दो सब सेल हैं। तो क्या है सब सेल, 2s और 2p। 2s एक अकेला ऑर्बिटल है और 2s को, यानी कि एस सब सेल को हम लोग चाहे सब सेल बोलिए या फिर ऑर्बिटल बोलिए एक ही बात है, क्योंकि वो अकेला ही है अपनी सेल में, अपनी सब सेल में वो अकेला ही है। 2p की अगर बात करें तो 2p एक सबसेल है, और 2p सबसेल के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2p सबसेल के अंदर 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। कौन कौन से, 2px होगा, 2py होगा और 2pz, तीन होंगे। यानी कि कुल मिलाकर उसके पास चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वैलेंस सेल में, चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से, एक s है और तीन जो है p है, टोटल मिलाकर चार एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब यहाँ एक समस्या है, समस्या ये है कि कार्बन को जुड़ना है चार हाइड्रोजन से, किससे जुड़ना है, चार हाइड्रोजन से। जुड़ते कैसे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी पड़ती है, और उसके लिए ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है, उसके लिए ऑर्बिटल्स की क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। कार्बन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि एक एस ऑर्बिटल है और तीन मिलाकर उसके पास पी ऑर्बिटल है, एक एस है, तीन पी है, पी में पी एक्स होगा, पी वाई होगा और पी जेड होगा, और एक एस है, चार एटोमिक ऑर्बिटल्स हैं प्योर फॉर्म में, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। बात यह है कि अगर वो प्योर एस के पास जाए, अगर वो प्योर एस के पास जाता है तो एस के पास स्टेबिलिटी तो है, क्योंकि भैया न्यूक्लियस के पास होता है एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल है, अट्रैक्शन ज्यादा है, एनर्जी कम है और स्टेबिलिटी उसके पास है, लेकिन उसके पास डायरेक्शन नहीं है, उस वो दिशाहीन है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है कि किस जगह से, किस दिशा से किसी भी एटम को अपना ऑर्बिटल लेके आना चाहिए ताकि उसके साथ ओवरलैपिंग करे। चारों तरफ से गोल है और गोल चीज की कोई डायरेक्शन नहीं होती, आगे पीछे ऊपर नीचे, किसी भी गोल चीज की कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल की कोई डायरेक्शन थोड़ी है, है ना। लेकिन अगर हम पी की बात करें
तो पी में एक समस्या है। पी के लिए आप दोनों चीजों की बात कर सकते हो, एनर्जी फैक्टर की बात करो पी के लिए, हालांकि इनकी बात हम नहीं करते, इसकी बात हम ड्रैगोस कंपाउंड पर आएंगे तभी करेंगे, क्योंकि समझ भी तभी आएगा जब हम पीएस थ्री और पीएफ थ्री का कंपेरिजन करेंगे, तभी ये हमको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, पी की अगर बात करें तो पी के पास डायरेक्शन है, बिल्कुल है यार, एक्सियल ऑर्बिटल्स है, डायरेक्शन है, लेकिन इसकी एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी इसकी ज्यादा है, ज्यादा माने स्टेबिलिटी कम है, एनर्जी ज्यादा है, और अगर ऐसा होगा तो मतलब इसमें कुछ तो समस्या है ही फिर तो। यानी कि प्योर फॉर्म में ऑर्बिटल्स जो हैं वो बॉन्डिंग करना नहीं चाहते हैं। एस के पास एक अच्छी बात है तो एक बुरी बात भी है, पी के पास एक अच्छी बात है तो एक बुरी बात भी है, लेकिन एक समस्या का समाधान जो ये करते हैं वो करते हैं कि एस और पी आपस में मिक्स हो जाते हैं। एस और पी आपस में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाएंगे। एस और पी आपस में अगर मिक्स होंगे तो मिक्स होने से जो नई चीज बनेगी मिक्सिंग के बाद, उसमें एस भी, एस करेक्टर भी होगा, उसमें पी करेक्टर भी होगा, यानी कि एस की वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी भी होगी और पी की वजह से उसके अंदर डायरेक्शन भी होगी, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ये, ताकि बॉन्डिंग अच्छी कर सकें। और एक कमाल की बात ये है, अगर हम स्टेरिक फैक्टर की चलो बात करने ही लगे, पता नहीं मैंने आपको क्लास के टाइम पे बताया कि नहीं, कि पी ऑर्बिटल जो है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं इस तरह से। अगर प्योर एटॉमिक पी ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल्स के साथ इस तरह से ओवरलैपिंग कर लें तो इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा हर जगह से, और 90 डिग्री पर मैक्सिमम रिपल्सन ये फील करते हैं। इसलिए पी ऑर्बिटल्स में स्पेसिफिकली जब हम बात करें पी ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ स्टेरिक फैक्टर जो है वो डोमिनेटिंग है थोड़ा सा। पी ऑर्बिटल्स 90 डिग्री पर होते हैं, और 90 डिग्री पर अगर होंगे तो समस्या ये है कि वो रिपल्सन ज्यादा फील करेंगे और बनने वाला मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए 90 डिग्री के एंगल को बढ़ाना चाहते हैं। और बढ़ाने का ऐसा तो है नहीं कि प्योर ऑर्बिटल के लोब्स हैं और लोब्स को अच्छा नहीं लग रहा 90 डिग्री पर रहने से, तो एक दूसरे से दूर दूर ऐसी हो जाए लात मार के, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। वो संभव कब हो सकता है, जब आप इस पी में थोड़ा सा एस करेक्टर घोलने लगो, जब आप इस पी में थोड़ा सा एस करेक्टर घोलने लगो, याद करिए कि एस करेक्टर अगर बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल बढ़ता है। बॉन्ड एंगल तभी बढ़ेगा जब ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल और ऑलरेडी एक दूसरे से दूर दूर होंगे। एस पी का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, 180 डिग्री, 50% एस है, एस पी टू 33.3 बचा, कितना होता है 120 डिग्री। एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा, एस करेक्टर जितना ज्यादा होगा वो स्टेरिकली, कैसे स्टेरिकली ऑर्बिटल्स को थोड़ा सी राहत देगा ताकि उन्हें स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिले। तो इन पी को जो वो अपने एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं और 90 डिग्री पर होने की वजह से जो ये रिपल्सन फील करते हैं अमोद कुमार राजपूत, तो उसको अगर इनको कम करना है तो कम करने के लिए इनमें हमें काम करना पड़ेगा कि हमें इनमें थोड़ा सा एस करेक्टर अगर घोल दिया जाए, घोल दिया जाए मतलब मैं थोड़ी उठा के एस घोल लूंगा उसमें मस लूंगा पकड़ के, खुद ही करेंगे, खुद ही करते हैं। तो अगर एस करेक्टर आ जाए तो इन पी को थोड़ी सी राहत मिलती है। राहत कैसे मिलती है कि जब एस इनमें घुलने लगेगा तो इनके लोब्स की जो साइज है वो बढ़ने लगेंगे, लोब्स के साइज बढ़ने लगेंगे तो एक दूसरे से दूर दूर होने लगेंगे, दूर दूर होने लगेंगे तो इन ऑर्बिटल्स के बीच का बॉन्ड एंगल बढ़ने लगेगा। जब हम बॉन्ड एंगल की बात करते हैं तो हम किसी बॉन्ड के बीच के एंगल की नहीं बल्कि ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल्स के बीच के ही बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप इसमें थोड़ा सा एस की परसेंटेज डालने लगो, और ये जो घुलना मिलना है एस का पी में, पी का एस में, इसी को आप लोग हाइब्रिडाइजेशन का नाम देते है ना। अब यहां एक और समस्या है, समस्या क्या है कि एनएस थ्री था, चलिए आप कहोगे कि यार चलो नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3 है, इसकी वैलेंस सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, इसके वैलेंस सेल में 3p ऑर्बिटल है ना, एक s है, इसको टोटल मिलाकर कार्बन जैसे हिसाब किताब है, टोटल मिलाकर क्या है, कार्बन जैसे हिसाब किताब है, टोटल मिलाकर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इसके पास, टोटल मिलाकर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इसके पास। अच्छी बात, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, मुझे याद नहीं है कि मैंने क्लास में आप लोगों को बताया कि नहीं, क्लास बताई होगा शायद, बताई होगा कि CH4 में तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, चलो अच्छी बात है, लोन पेयर ओन पेयर था, नहीं कुछ नहीं था, NH3 में 3 हाइड्रोजन्स को जुड़ना है,
और तीन हाइड्रोजन को अगर जुड़ना है तो ये तीनों हाइड्रोजन इसके पास जा सकते हैं 1s, 2s, सिर्फ 2p-2p से भी काम चल सकता है, 2s की तो जरूरत ही नहीं है। मीथेन में तो कार्बन के पास चार हाइड्रोजन थे, भी तीन ही होते हैं, इसलिए s को लेना पड़ा हमें, s को क्या करना पड़ा, लेना पड़ा। NH3 में तो हमें s की जरूरत ही नहीं है, तो फिर देखो स्टेरिक हिंड्रेंस का जो इफेक्ट है वो आपको NH3 में ही समझ आएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का जो इफेक्ट है या स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल क्या है वो आपको NH3 में समझ आएगा कि यहां हाइब्रिडाइजेशन क्यों हुआ, यहां तो हमें एस की जरूरत ही नहीं है, फिर मिक्स हुआ ही क्यों, एस की जरूरत क्यों नहीं है। एस की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अपने पास तीन हाइड्रोजन है और तीन हाइड्रोजन को जुड़ने के लिए तीन ही तो ऑर्बिटल चाहिए और तीन भी ऑर्बिटल तो 2p के अंदर है, फिर मुझे एस का क्या लेना देना, मैं ये 2p1 हुआ, 2px हुआ, 2py हुआ, 2pz हुआ, इससे एक हाइड्रोजन जोड़ा, इससे एक हाइड्रोजन जोड़ा और इससे एक हाइड्रोजन जोड़ा, एस की जरूरत ही नहीं पड़ी मुझे, तो एस की अगर जरूरत ही नहीं पड़ी है तो मैं क्यों मिक्सिंग करवाऊं, इनकी इतने ड्रामा करूं, लेकिन फिर भी हो रही है, फिर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, फिर भी एस के साथ मिक्स हो रहा है। यहां आपको स्टेरिक का मतलब समझ आएगा, एक्चुअल में असलियत क्या है उसकी, जो 3p ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, 3p ऑर्बिटल हैं वो एक दूसरे से कहां है 90 डिग्री पर है, और हमें पता है कि 90 डिग्री पर रिपल्सन्स फील करते हैं और ये पी ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बनाना चाहेंगे अगर ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर ही रहेंगे, तो इस बॉन्ड एंगल को इनको बढ़ाना है और बॉन्ड एंगल को बढ़ाने के लिए इन्हें एस की जरूरत पड़ेगी। ये है स्टेरिक, मतलब कि अगर आप मुझसे ये पूछो कि NH3 में हाइब्रिडाइजेशन होने का क्या मतलब है, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहूंगा कि NH3 में S और P की मिक्सिंग मैंने उस वाले तरीके से कराई कि उसके पास एक एडवांटेज थी, एक डिसएडवांटेज थी, P के पास एक एडवांटेज, एक डिसएडवांटेज थी, ना ना बिल्कुल नहीं। यहां मैं सिर्फ एक ही फैक्टर का नाम दूंगा, वो जो P पर लागू हो रहा है और उसका नाम है स्टेरिक। तो नाम क्या है, स्टेरिक। यहां मैं सिर्फ ये कहूंगा कि स्टेरिक फैक्टर की वजह से, भीड़ की वजह से, वो कम बॉन्ड एंगल की वजह से इन्होंने एस को बुलाया, एस ने एहसान किया, एस को कोई जरूरत नहीं थी NH3 में मिक्स होने की, उसको क्या पड़ी है, उसमें तो पहले से भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसमें पहले से भी पेयर्ड ही इलेक्ट्रॉन थे। तो यहां ये जो बॉन्ड एंगल बढ़कर 107 डिग्री जो होता है, हालांकि वो तो लोन पेयर वन पे 109.5 होगा, लोन पेयर के रिपल्सन की वजह से 107 हो जाता है, वो छोटे हमें कोई लेने देने नहीं, यहां उसकी वजह से एस को इन्होंने जबरदस्ती बुलाया और मिक्सिंग करा के sp3 बनवाया हाइब्रिड। बात आ रही है समझ में। एक और रीजन, ये स्टेरिक कब मोटे हैं, कब ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, ये जो स्टेरिक फैक्टर है ये डोमिनेटिंग हो कब सकता है, पानी बिलू है ही नहीं, कोई बात नहीं, आलोक तिवारी, रोशनी पांडे देख रहे हो, रिकॉर्डेड क्लास में भी कमेंट पढ़ रहा हूं, बातें कोई करने की, चल रहे हैं तो पढ़ आई बात समझ। दूसरी चीज, ये स्टेरिक इफेक्ट जो है, ये स्टेरिक इफेक्ट जो है कब डोमिनेटिंग हो सकता है, कब डोमिनेटिंग हो सकता है, कौन से सिचुएशन में आपका स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेटिंग हो, किस कंडीशन में। एक चीज याद रखना, अगर सेंट्रल एटम का साइज छोटा है तब, छोटा माने सेकंड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, कहां का, सेकंड पीरियड का जो एलिमेंट है उसका, तब डोमिनेटिंग होगा आपका, जबरदस्त डोमिनेटिंग होगा स्टेरिक फैक्टर, क्लियर है बात। जल्दी बताओ एनर्जी फैक्टर कब डोमिनेटिंग होगा, आइए बात करते हैं। अगर मान लो, अच्छा पहले स्टेरिक को ही निपटा लो, मान लीजिए मैं अगला एग्जांपल लेता हूं pH3 का, pH3 के जैसे मॉलिक्यूल, pH3 लीजिए
नाइट्रोजन फैमिली के और ऑक्सीजन फैमिली के नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से नीचे के हाइड्राइड जो हैं फॉस्फोरस ASS3 SbS3 H2S SeS2 और H2T, इनको आप लोग ड्रैगोज कंपाउंड के नाम से जानते हैं। ड्रैगोज कंपाउंड ड्रैगो साइंटिस्ट का नाम है और इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, यही पढ़ते हो आप लोग, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता ये पढ़ते हो, इनको ड्रैगोज कंपाउंड के नाम से जाना जाता है और इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। सवाल ये है कि इसके पीछे कहानी क्या है, मतलब पी एस थ्री में ऐसा क्या है, आओ सुनो। स्टेरिक फैक्टर फॉस्फोरस है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस है, नाइट्रोजन जैसी होगी, लास्ट में 3H2 3P3, लास्ट में 3H2 3P3। अब इसमें भी लास्ट में 3S और 3P है, हाइड्रोजन तीन ही जोड़ने हैं, हाइड्रोजन तीन ही जोड़ने हैं, 3S वाले ऑर्बिटल का हमें कोई रोल नहीं है उसमें, तीन हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं, तीन पी ऑर्बिटल्स हैं उसकी वैलेंस सेल के अंदर, तो तीन पी ऑर्बिटल से आकर तीन हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लेंगे। नाइट्रोजन में ऐसा हो नहीं पा रहा था क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा था और उसके जो पी ऑर्बिटल्स थे उसके पी ऑर्बिटल्स के बीच लगने वाला स्टेरिक हिंड्रेंस या भीड़भाड़ ज्यादा थी। कैसे, मान लीजिए कोई इतना छोटा सा पॉइंट है और उसके चारों तरफ उसके 90 डिग्री पर ऐसे बनाए हुए हैं, एक बड़ा सा सर्कल है तो इसके भी 90 डिग्री पर ही 90 डिग्री पर ही है, लेकिन उनमें उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा अगर सेंट्रल एटम बड़ा, अगर क्या है, अगर सेंट्रल एटम का साइज बड़ा है तो उसके चारों तरफ रहने वाले पी ऑर्बिटल्स जो होंगे उनमें 90 डिग्री पर होने के बावजूद भी रिपल्सन उतने ज्यादा नहीं लगेंगे। कारण, क्योंकि भैया वो तीन पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से कहां अटके हुए हैं, दूर दूर अटके हुए हैं, क्योंकि बीच में जो डब्बा है, बीच में जो गोला है वो बड़ा है। आई बात समझ में? तो सेंट्रल एटम का अगर साइज बढ़ेगा, सेंट्रल एटम का अगर साइज बढ़ जाता है तो स्टेरिक इफेक्ट उतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता। इसलिए पीएच थ्री में हाइड्रोजन ऐसे ही आके ओवरलैपिंग कर लेते हैं और जो एस ऑर्बिटल है वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल ही रह जाता है और लोन पेयर इसके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में है। लोन पेयर कहां है? प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में। और ये इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 नहीं है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग की है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने क्या की है, ओवरलैपिंग की हुई है। बॉन्ड एंगल कितना होगा? अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास होगा, हालांकि ps3 में कुछ 93 to 94 के बीच में होता है बॉन्ड एंगल, मतलब उतना ही होगा, 90 के आसपास ही होगा। कहने का मतलब ये, कहने का मतलब क्या है, 90 के आसपास होगा। एक और एग्जांपल है PF3, इसमें आप लोग फटाफट बता दोगे ये हाइब्रिडाइजेशन जो sp3, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, फॉस्फोरस बड़ा है, PS3 में भी वही फॉस्फोरस था, यहां भी वही फॉस्फोरस, PS3 में भी वही फॉस्फोरस था, यहां भी वही फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन वो काम क्यों नहीं करा पाया जो काम फ्लोरीन ने करा दिया। PF3 लेते हैं और PCl3 लेते हैं, दोनों लेते हैं, PF3 लिया PCl3 लिया, दोनों के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। कारण, कारण देखिए, दोनों में जो हाइब्रिडाइजेशन है सेम है, यहां भी sp3 यहां भी sp3, कारण अलग अलग है, दोनों में होने वाले हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो है, जो 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 रीजन है वो अलग अलग है, वाले हाइब्रिडाइजेशन के कारण जो है, जो 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 रीजन है वो अलग अलग है। कैसे हैं अलग अलग? अलग अलग ऐसे हैं कि यहाँ एनर्जी फैक्टर डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से यहाँ एनर्जी फैक्टर, यार ये चीज मुझे लाइव पढ़ानी थी, ये गलत कर दिया, और यहाँ स्टेरिक फैक्टर डोमिनेटिंग, यहाँ स्टेरिक फैक्टर डोमिनेटिंग, कारण जो है वो अलग अलग है इसमें। धीरज का कमेंट दिख रहा, बताओ, आपका मूड खराब करेगा, बंद करनी पड़ेगी क्लास शाम में, पढ़ते हैं। पी एफ थ्री फॉस्फोरस वही है, 3s 3p है ना, फॉस्फोरस तीन ही है, मतलब फ्लोरीन तीन ही है,
अगर तीन है तो इसको करना क्या है, तीन फ्लोरीन तीन फॉस्फोर तीन पी ऑर्बिटल से अगर ओवरलैप कर सकते थे और आराम से इसके अंदर बॉन्डिंग बन सकती थी, यानी कि प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी ओवरलैपिंग कर सकते थे, लेकिन ना हाइब्रिडाइजेशन हुआ। क्यों हुआ? पीएच थ्री में क्यों नहीं हुआ? पीएच थ्री में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहली बात कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट नहीं है। अगर मैं दोनों चीजों की बात करूं, दोनों चीजों की बात करूं, मैं देखिए एक बार पीएच थ्री में फॉस्फोरस एटम जो था उसका साइज बड़ा था, उसका साइज बड़ा था। अच्छा, इसको और क्लियरली समझो, एक बार और क्लियरली समझो, फॉस्फोरस पीएच थ्री में जो फॉस्फोरस था, अगर आपको ये चीज समझ नहीं आई है कि बड़े साइज होने की वजह से उसके पी ऑर्बिटल्स के बीच में ज्यादा या बहुत ज्यादा रिपल्सन फील नहीं होते हैं, तो इसको एक और तरीके से आप लोग समझ सकते हो। मैं कह रहा हूं फॉस्फोरस को छोड़ो, आप साइड एटम के हिसाब से समझो। पीएच थ्री में फॉस्फोरस का साइज बड़ा था, अच्छी बात है। हाइड्रोजन आकर जो जुड़े उससे वो छोटे साइज के थे, तो अगर हाइड्रोजन एक दूसरे से 90 डिग्री पर है भी फॉस्फोरस फॉस्फीन में पीएच थ्री के अंदर, तो हाइड्रोजन एक दूसरे से फिर भी दूर दूर होंगे क्योंकि उस एटम का साइज बहुत कम है, उस एटम का साइज बहुत छोटा है। इसलिए पीएच थ्री में 90 डिग्री पर हाइड्रोजन एटम्स के होने के बावजूद भी रिपल्सन्स जो है उतने फील नहीं होते, और इसलिए पीएच थ्री में टी को एस की जरूरत ही नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। सवाल ये उठता है कि यार पीएफ थ्री में फ्लोरीन और हाइड्रोजन इन दोनों के साइज में कोई धरती और आसमान, धरती और आसमान, हाँ धरती आसमान का फर्क नहीं है कोई, लगभग लगभग एक जैसे साइज के हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऐसे जाओगे तो साइज घटता ही है ना, तो इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। सवाल ये है कि यार जब फ्लोरीन जो है वो भी छोटे ही साइज का है, तो फिर यहां पी को क्यों जरूरत पड़ी एस की, क्यों उसने मिक्सिंग की? फ्लोरीन ऐसे ही आके ओवरलैप कर लेता ना प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल से, हाइब्रिडाइजेशन होता ही नहीं, फिर क्या दिक्कत थी, क्या समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि फ्लोरीन जो है भाई वो एक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, वहां एनर्जी फैक्टर डोमिनेटिंग है, उसने मिक्सिंग करवा दी। कैसे करवा दी? हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स जो है, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स फ्लोरीन, स्पेशली हम फ्लोरीन का ही केस लेके चलते हैं, ये जहां भी जाता है ये मिक्सिंग करवाई देता है, ये जहां भी जुड़ेगा वहां हमेशा हाइब्रिडाइजेशन करवाई देगा, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है। पहले फॉस्फोरस के एस और पी, थ्री एस और थ्री पी ऑर्बिटल्स के बीच में जो एनर्जी गैप था, ये उसको श्रिंक करा के एनर्जी गैप को कम करा देता, ये इसका कमाल है, इसका टैलेंट है। हाई इलेक्ट्रो पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में टॉपर होना हो सकता है उसका कारण। तो ये ड्रैगोस कंपाउंड, इनकी तो कई सारी एक्सप्लेनेशन है, अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग चीजें लगती हैं, अलग अलग एग्जाम्पल में अलग अलग चीजें हमें सोचनी पड़ती हैं, है ना, समझनी पड़ती हैं। तो पीएफ थ्री में जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उसमें फॉस्फोरस तो बड़े साइज का नहीं है, छोटे ही साइज का, तो स्टेरिक फैक्टर की वजह से हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुआ, वहां एनर्जी फैक्टर की वजह से हाइब्रिडाइजेशन हुआ। थ्री एस और थ्री पी के बीच का फॉस्फोरस क्यों करना चाहेगा यार हाइब्रिडाइजेशन? फॉस्फोरस तो करना ही नहीं चाहना पीएच थ्री में ना पीएफ थ्री में, उसके तो बीच का एनर्जी गैप जो है 3s और 3p का वो काफी है, पहले से ऑलरेडी काफी है, इसने कम करा दिया, इसने क्या करा दिया, कम करा दिया, इसको s करेक्टर चाहिए। बता रहे समझ में, ये जो ये पेनिट्रेट करा देगा और s और p के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा, P और S के बीच का जो एनर्जी गैप है अगर वो कम होगा तो S और P की मिक्सिंग हो जाती है और PF3 में हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। लेकिन अगर बात करो PCl3 की, बात किसकी करो, PCl3 अगर बात की जाए PCl3 की, जहां क्लोरीन बड़े साइज का है, इस बार क्लोरीन बड़े साइज का है, फॉस्फोरस का तो यहां भी मिक्सिंग नहीं करनी थी, फॉस्फोरस को यहां भी बिल्कुल नहीं करनी थी मिक्सिंग, वो तो फ्लोरीन क्लोरीन टकरा गया उससे और क्लोरीन ठहरा बड़े साइज का एटम। क्लोरीन कैसा ठहरा? क्लोरीन है बड़े साइज का एटम और बड़ा साइज होने की वजह से, क्लोरीन का साइज बड़ा होने की वजह से फॉस्फोरस के जो तीन पी ऑर्बिटल्स हैं जिनके साथ क्लोरीन आके ओवरलैपिंग करेगा, अब वो 90 डिग्री पर भी फील नहीं कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, 90 डिग्री पर अब वो फ्री फील नहीं कर पाएंगे, अब रिपल्सन्स लगेंगे। किसकी वजह से?
एक मोटा सा आकर, मोटा सा जब क्लोरीन आकर वहां जुड़ेगा ना, तो वो क्लोरीन एटम्स एक दूसरे के काफी करीब रहेंगे और रिपल्सन्स लगने लगेंगे, और उन रिपल्सन से बचने के लिए फोस्फोरस को उसका समाधान करना पड़ेगा, और समाधान जो होगा वो ये होगा कि वो एस के पास जाएगा और उससे बोलेगा कि भाई मुझ में थोड़ा सा अपना नेचर घोल दे। एस जो है पी ऑर्बिटल्स के साथ मिक्स होगा और मिक्स होकर वो हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा और पीसीएल थ्री का हाइब्रिडाइजेशन एसपी थ्री हो। समझ आई ये चीज? समझ अगर आ जाए तो ये जो वीडियो है इसके नीचे जो कमेंट वाला सेक्शन होता है आप लोगों का वहां लिख देना, क्योंकि ये शायद ज्यादा डिटेल में हो गया इस बार। अगर ना ही समझ आए तो हम क्लास में ही पढ़ लेंगे, है ना? नाम तो काफी दिख रहे हैं, शिवम पांडे, खुशी अनामिका चौधरी, श्रिया रोशनी पांडे, विकास चौहान, 720 नहीं 720 हो। चलिए तो इतनी बात हम लोग कर चुके हैं। ड्रैगोस कंपाउंड को आप देखो, मान लो मैंने NH3 लिया, BH3 लिया, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, तब विवाह। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती चली जाए, सेंट्रल एटम कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि सेंट्रल एटम हो तो आपको पता ही है कि नाइट्रोजन से आप बिस्मिथ की तरफ जाओगे तो इनकी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो लगातार डिक्रीज होने लगती है। अरे ऊपर से नीचे जाते हो तो घटती है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, है MTG। तो बॉन्ड एंगल भी लगातार डिक्रीज होगा। बॉन्ड एंगल की बात करें तो 107 ये लगभग 94 डिग्री के आसपास होता है, ये 93, 92, 91 ऐसा ऐसा कुछ होता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली ये सब 90 डिग्री के आसपास होते हैं। अप्रोक्सीमेटली कहाँ होते हैं? 90 डिग्री के आसपास। ये 94 नहीं 93 ले लो इसको अप्रोक्सीमेटली, मतलब ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मैं आपके नहीं आया हूं, मान के चल लो कि अप्रोक्सीमेटली जो है ये 90 डिग्री के आसपास रहते हैं। ये अलग है, इसमें तो हाइब्रिडाइज, उसमें हाइब्रिडाइजेशन है नहीं, उनमें मिक्सिंग विक्सिंग नहीं है। मिक्सिंग क्यों नहीं है? क्योंकि सेंट्रल एटम को तो करनी नहीं थी, वो तो कभी एनर्जी की वजह से फ्लोरीन जैसे अगर जुड़ गए तो वो करवा देते हैं, या फिर कभी किसकी वजह से, कभी उनकी वजह से जो उससे अगर जुड़ रहे हैं वो रिपल्सन, वो बड़े बड़े एटम है और रिपल्सन की वजह से इसको मिक्सिंग करनी पड़ रही है। उन्होंने उसको क्या जरूरत है करने की, क्यों फालतू के ड्रामे करने जीवन में है। तो इनकी अगर बात करें तो इनका सबका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास ही रहेगा। इन सब का बॉन्ड एंगल कैसा रहेगा? 90 डिग्री 90 डिग्री के आसपास ही रहता है। क्लियर जी बात? और इनको हम लोग ड्रैगोज कंपाउंड बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्रैगोज कंपाउंड। इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता। सेम कहानी आपकी ऑक्सीजन परिवार की भी है, H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO। इसमें भी जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होने लगेगा। H2O का आप लोग जानते हैं 104 डिग्री के आसपास होता है, दो लोन पेयर है, और ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास ही इनके बॉन्ड एंगल होंगे। ये थी ड्रैगोज कंपाउंड की कहानी। तो हाइब्रिडाइजेशन जरूरी नहीं है सब जगह हो, तो मजबूरी है सेंट्रल एटम की कि किसी ना किसी कारणवश उसे मिक्सिंग करनी पड़ती है, कभी क्राउडनेस से बचने के लिए, अपने अपने मोलिक्यूल को, जो मोलिक्यूल बनने वाला है, मोलिक्यूलर स्टेबिलिटी देने के लिए, कभी तो क्राउडनेस सेंट्रल साइड एटम के आने के बाद जो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा उससे बचने के लिए मिक्सिंग करानी पड़ती है, ताकि ऑर्बिटल्स पहले ही दूर दूर चले जाएं और आराम से ओवरलैपिंग हो जाए। कभी कभी एनर्जी एनर्जेटिकली स्टेबिलिटी पाने के लिए, कि मेरी जो एनर्जी है वो ज्यादा ना रहे, मेरी एनर्जी कम से कम रहे, कोई ऐसा आ जाए जो स्टेबिलिटी बढ़ा दे मेरी मिक्सिंग विक्सिंग करवा के। तो ये कहानी थी ड्रैगोज कंपाउंड की। आई होप कि आप लोगों को ये सारी कहानी समझ आई होगी, है आई है कि नहीं? आनी तो चाहिए। बाकी अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट अगर रह जाए तो आप लोग मुझे बता सकते हो, हम जो है इसके बारे में क्लास में भी डिस्कशन कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग क्लास में भी डिस्कशन कर सकते हैं जो अपनी लाइव क्लासेज होती हैं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वीडियो जब भी चलेगी आप उसमें कमेंट करके बता देना कि समझ आया है कि नहीं, वरना अपनी जो रेगुलर क्लास चलेंगी उसमें समझ आया कि नहीं उसमें बता देना, ठीक है? और अंत में मैं आपको फिर से एक बार कोर्स के बारे में बता दूं, सुन लो, बहुत ही शानदार मौका है। आपके आसपास जितने भी लोग हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो TGT हो, PGT हो,
या फिर एनवीएस नवोदय विद्यालय वाले हों या फिर आपके केवीज के टीचरों की वैकेंसीज हो, मतलब तैयारी हो, यूपीएससी की हो, स्टेट पीसीएस हो, बैंकिंग हो, एसएससी, सीजीएल, पुलिस, डिफेंस, एनडीए, सीडीएस, कुछ भी, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उन सभी की तैयारी, उनमें से किसी की भी तैयारी अगर कोई भी आपकी जानकारी में कर रहा है, आपके घर में, आपके परिवार में, है ना, भाई बहन, खानदान में, चाचा, ताऊ, मामा, कहीं भी, अगर कोई भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो आप एक बार मेरे कहने से कोशिश कीजिए, उसको गवर्नमेंट ये एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कराइए, सभी कोर्सेज, और सभी कोर्सेज में पढ़ाने वाली फैकल्टीज कितनी बढ़िया है, उन सब से रूबरू कराइए, और किस दाम पर ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं वो तो एकदम शानदार चीज है ना। इतने कम दाम पर आपको इस देश में कहीं पर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी माने इतने सस्ते दाम पर आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए कोर्सेज नहीं मिलेंगे। इस सब की नॉलेज तो आप लोगों को भी है पहले से। अगर ऑफलाइन चीज में जाते हो आप लोग, तो आपको भर भर के लाखों रुपए देने पड़ते हैं, है ना, किसी छोटे मोटे एग्जाम के लिए भी 20-30 हज़ार रुपए देने पड़ते हैं, और यहाँ आपको बहुत ही कम रुपयों में कोर्सेज जो हैं आपको मिल रहे हैं, और उन कम रुपयों में से भी दिवाली के उपलक्ष्य में 75% का डिस्काउंट हर एक कोर्स में दिया जा रहा है, हर एक कोर्स में 75% डिस्काउंट। आप लोग देख सकते हो कि इस डिस्काउंट के बाद वो कोर्स जो है आपको कितने रुपए में पड़ेगा, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट में पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को हर एक चीज मिलेगी, हर एक चीज। सिर्फ आपको क्लासेस नहीं मिल रही है, आपको डाउट सेशंस मिलेंगे, आपको उसमें जितनी भी चीजें पढ़ाई जाएंगी, आपको बोर्ड पीडीएफ्स मिलेंगे सारे के सारे, जो आपको वापस वापस से कभी भी रिवाइज करने के लिए काम आएंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी, है ना, एग्जाम जिस भी तरीके का एग्जाम है उसी एग्जाम के लेवल की, नेशनल लेवल का एग्जाम है जैसे यूपीएससी है या है, तो उस लेवल की टेस्ट सीरीज, फुल टेस्ट सीरीज, या जितना जितना भी सिलेबस आपका होता रहेगा उसके हिसाब से, है ना, और आप इसमें करंट अफेयर्स वगैरह वो सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी। तो आप सभी लोग ये एग्जाम पर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, और जिसको कर चुके हैं बढ़िया बात है, जो नहीं करे हैं वो सब डाउनलोड करो, और दूसरों से करवाइए, उनको बताइए, इन सब चीजों से रूबरू करवाइए, कितने फायदेमंद है सब कुछ, कितना सस्ते में सब कुछ जो है एक एक चीज आप लोगों को मिल रही है, इतनी सारी फैसिलिटीज इतने कम पैसों में, इतने कम पैसों में है कुछ कोर्सेज तो, जितने कम पैसों में आप अगर मूवी देखने जाओ और वहां इंटरवल के समय पर कुछ खा लो किसी पीवीआर में, तो उतने पैसों में आप लोगों को कोई कोर्स मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि एग्जामपुर से ज्यादा फैसिलिटी कोई और इस देश में दे सकता है, या दे रहा है, या किसी ने दी होंगी। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, पढ़ने के लिए, और ये सारी चीजें रिवाइज कर लेना जितनी हमने पढ़ी हैं, और अगर कोई भी प्रकार का डाउट अगर रह जाता है तो आप लोग मुझे क्लास में बता सकते हो, जो अपनी दूसरी क्लास होगी, रेगुलर क्लास, या फिर आप वीडियो में कमेंट कर सकते हो नीचे कि ये चीज जो है, या फिर ये एग्जाम्पल, या फिर ये वाला फैक्टर अपने दिमाग में नहीं घुसा है, तो उस सब के बारे में आप लोग खुल के जो है बता सकते हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, दिवाली आपकी बहुत बढ़िया रही होगी, और जो भी आने वाले त्योहार हैं कल और परसों में, उन सब के लिए भी आपको बधाई है, परिवार को, सबको बढ़िया से मनाइए, साल भर में एक ही बार आते हैं, और थोड़ा सा बच के रहना। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी।